जय श्री राधा कृष्ण। कृष्ण का प्यारा माघशीष महीना चल रहा है। शास्त्रों में तो माघशीष महीने को श्री कृष्ण का महीना कहा गया है। मान्यता है कि इस माह में किए गए पूजा पाठ से श्री कृष्ण की कृपा बरसती है भक्तों पर, इसलिए इस महीने नियमित रूप से फूल फल नवेद्य धूप दीप और माखन मिश्री आदि अर्पित कर श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। अब आज इस वीडियो में हम माघशीष महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। इस साल 2023 में ये व्रत कब किया जाएगा, 8 दिसंबर या 9 दिसंबर, साथ ही आने वाले अन्य व्रत त्योहार कब मनाए जाएंगे इसकी चर्चा करेंगे, कब प्रदोष व्रत रखा जाएगा, मासिक शिवरात्रि व्रत और माघशीष महीने की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करना भूलना नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। साल भर में कुल 24 एकादशी और जिस साल अधिक मास हो उस साल 26 व्रत होते हैं एकादशी के। सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग अलग है। आम तौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में जो लिखा है वो ये लिखा है कि एकादशी व्रत की शुरुआत या एकादशी व्रत उठाना उत्पन्ना एकादशी से चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना गया है। उत्पन्ना, जैसे नाम से पता चलता है, इस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। एकादशी माता भगवान विष्णु में से उत्पन्न हुई थी, इसी से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत से शुरू करना बहुत ज्यादा फलकारी माना गया। चलिए अब चर्चा करते हैं साल 2023 में कब व्रत रखा जाएगा। इस बार एकादशी तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। काफी सारी जगहों पे 8 दिसंबर को एकादशी व्रत का पालन हो रहा है और कुछ जगहों पे 9 दिसंबर को एकादशी व्रत रखा जा रहा है। इस वीडियो में आपकी सभी कंफ्यूजन दूर करूंगी और डिटेल में बताऊंगी कब व्रत रखना ज्यादा उत्तम है। देखो, उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त इस साल 2023 में क्या हो रहा है ये बताने से पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से लेकर 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक रहेगी। अब चर्चा करते हैं किस दिन व्रत रखना ज्यादा उत्तम होगा। देखो, 8 दिसंबर को पूरे दिन की एकादशी है, सूर्योदय में एकादशी है, इसी से सामर्थ संप्रदाय और बहुत सारी जगहों पर एकादशी व्रत 8 दिसंबर को किया जा रहा है। इस बार एकादशी तिथि पर 2 सूर्योदय है, 24 घंटे से ऊपर की एकादशी तिथि है, इसी से इस बार व्यंजुलि महाद्वादशी योग बन रहा है और इसी से वैष्णव संप्रदाय और बहुत से धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत 9 दिसंबर को रखा जा रहा है। अब आप पूछोगे कि ये व्यंजुलि महाद्वादशी योग होता क्या है। तो देखो, अगर एकादशी संपूर्ण है, एकादशी एक अरुणोदय काल से लेकर अगले दिन अरुणोदय काल में है तो संपूर्ण कहलाती है, और अगले दिन द्वादशी में वृद्धि प्राप्त करे पर द्वादशी वृद्धि ना पाए तो ये द्वादशी व्यंजुलि महाद्वादशी कहलाती है। ये महाद्वादशी संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। इस महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल मिलता है, मतलब 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि जिस दिन पूरे दिन की सूर्योदय में एकादशी है उस दिन तो हम व्रत नहीं कर रहे और अगले दिन जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी उस दिन का उपवास क्यों करें। तो देखो, समझो मेरी बात को, शास्त्रों के अनुसार अगर कभी भी, जो शास्त्रों में 8 तरह की अलग अलग तरह की महाद्वादशी बताई गई हैं, अगर उनमें से किसी भी द्वादशी का योग बनता है तो जो शुद्ध भक्तगण होते हैं वो एकादशी को उपवास ना करके इन सब महाद्वादशी में ही व्रत का पालन करते हैं। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है, 100 एकादशी करने जितना फल मिलता है और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता भी होती है। तो इसी से श्री हरि की प्रसन्नता और आनंद के लिए महाद्वादशी योग में 9 दिसंबर को व्रत करना ज्यादा उचित है। इस बार एकादशी को लेकर
विभिन्न समुदायों और धार्मिक स्थलों पर भेदभाव देखने को मिल रहा है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, गौरिया मठ आदि धार्मिक स्थलों और सामर संप्रदाय में उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन शुक्रवार 8 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, निम्बक संप्रदाय, इस्कॉन, गौ आदि धार्मिक स्थलों और वैष्णव संप्रदाय में उत्पन्ना एकादशी शनिवार 9 दिसंबर को मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी पूजा के लिए शुभ लाभ मुहूर्त सुबह 8:19 से लेकर 9:37 तक का है। इसके बाद अमृत काल सुबह 9:37 से लेकर 10:55 तक रहेगा। इन दो शुभ मुहूर्तों में आप उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा पाठ कर सकते हो। अब अगर शुभ योग की बात करूं तो 8 दिसंबर को सौभाग्य योग बन रहा है। ये योग एकादशी के दिन रात 12:05 तक रहेगा। इस बीच श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें विशेष फल मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होती है। इस योग में हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत भी की जा सकती है, इतना अच्छा योग होता है। वहीं 9 दिसंबर को शोभन योग के साथ सर्वत सिद्ध योग और द्विपुष्कर योग भी बन रहा है। ये सभी योग भी बहुत अच्छे होते हैं और इनमें पूजा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब चर्चा करते हैं कि अपना एकादशी व्रत खोले कब। तो देखो, जो लोग उत्पन्ना एकादशी व्रत शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को करेंगे, वो अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत खोलेंगे 9 दिसंबर को दिन में 1:16 PM से 3:20 PM के बीच में। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 12:41 PM है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि व्रत तो सुबह सूर्योदय में ही खोल लेते हैं, ऐसे में हम दोपहर को क्यों खोल रहे हैं। तो देखो, समझो, इस बार एकादशी तिथि ही सूर्योदय में समाप्त हो रही है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत खोलने से पहले हरिवासर समय समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि हरिवासर समय होता क्या है, तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। इसीलिए इस बार हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत दोपहर में खोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जो लोग वैष्णव उत्पन्ना एकादशी 9 दिसंबर शनिवार की करेंगे, वो अपने व्रत का पारण यानी अपना व्रत खोलेंगे कब, 10 दिसंबर को सुबह 7:03 AM से 7:13 AM के बीच में। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 7:13 AM है। 10 दिसंबर को सुबह व्रत खोलने के लिए हमें बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए ध्यान से पूरी तैयारी करके रखना और सही समय पे व्रत खोल लेना, क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा है। और मतलब आप ये कहोगे कि इतना कम समय क्यों, क्योंकि देखो हम हमेशा सूर्योदय के बाद व्रत खोल लेते हैं, पर हमें व्रत हमेशा द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले खोल लेना चाहिए, वरना व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसी से इस बार बहुत टाइट शेड्यूल रहेगा और 10 दिसंबर को सुबह 7:03 AM से 7:13 AM के बीच ही हमें 10 मिनट के अंदर ही व्रत को अपने को खोलना होगा। ऐसी स्थिति में आप खाने, जो भी आपको दान देना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, वो सब की तैयारी पहले से करके रखोगे। ब्राह्मण को भोजन वगैरह पहले ही आप खिला दोगे 7 बजने से पहले। अगर आपको लगता है इतनी सुबह जल्दी जल्दी मैं तो ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकती हूँ, तो आप सूखा सीधा का सामान निकाल सकते हो या दान के पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे ही 7:03 होंगे, आप अपना व्रत चने से, जैसे आपको पहले विधि बताई हुई है, वैसे खोल लीजिएगा। देखो, जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और 2 दिन का व्रत रख सकते हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी वो 8 और 9 दिसंबर दोनों दिन का व्रत करें। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वो दोनों दिन का निर्जल व्रत ना करें, वो 8 दिसंबर को फलाहार से व्रत कर ले और 9 दिसंबर को पूरे दिन का निर्जल व्रत रख ले। जो फलाहार से व्रत करते हैं वो दोनों दिन फलाहार खाएं, अन्न का त्याग कर दें। जब हम अपने एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं तो वो हम 8 तारीख को लेंगे और सुबह अपने हाथ में जल लेकर कहेंगे कि मैं 48 घंटे का एकादशी व्रत करूंगा।
अब देखो, जो लोग 8 दिसंबर को व्रत करेंगे वो वैसे भी अपना व्रत 9 दिसंबर को दोपहर में ही खोलेंगे, है ना, क्योंकि हमें हरिवासर समय समाप्त होने देना है। मतलब 1.5 दिन का व्रत तो सबका होगा ही होगा। ऐसे में अगर संभव हो तो आप 2 दिन का ही व्रत कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, लोग ये कहते हैं कि ये पहली या दूजी एकादशी है या सामर्थ्य या वैष्णव एकादशी है, तो नहीं, इस बार पूरी तरह एकादशी एक ही दिन की है। बस एकादशी पे महाद्वादशी योग बन रहा है, इसी से 9 दिसंबर को महाद्वादशी योग में एकादशी व्रत रखा जाएगा। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो एकादशी तिथि सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उस दिन चावल नहीं खाते, तो वो लोग 8 दिसंबर को चावल का त्याग करें। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन वैतरणी व्रत भी होता है। इस व्रत की पूरी जानकारी आपको अपनी पूजा विधि वाली वीडियो में दूंगी, पर शॉर्ट में समझ लो, देखो जब भी शरीर छोड़कर हम जाते हैं तब हमें वैतरणी नदी मिलती है। बिना कष्ट ये वैतरणी नदी आराम से पार हो जाए, इसी से वैतरणी व्रत किया जाता है। तो सभी ये व्रत जरूर करना। जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो कम से कम मोक्ष की कामना से वैतरणी व्रत तो जरूर ही कर लेना। मासिक प्रदोष व्रत 10 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा, इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:25 PM से 8:08 PM के बीच का है। ये अवधि 2 घंटे 44 मिनट की है। अब मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत 11 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। माघ शीश मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्टार्ट हो रही है 11 दिसंबर को 7:10 AM पे। माघ शीश मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 12 दिसंबर को 6:24 AM पे। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त समय वो 11 दिसंबर रात को 11:47 PM से 12:42 PM के बीच का है, और ये अवधि आपकी 55 मिनट की होगी। एक और बात, शिवरात्रि व्रत शिवजी जी के निमित्त किया जाता है। सोमवार भी शिवजी जी को ही समर्पित दिन है, इसी से इस शिवरात्रि पर बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। जरूर से व्रत करें, कथा सुने, पर कोई भी साधक किसी भी वजह से अगर व्रत नहीं कर पा रहा तो वो भगवान शिव की बढ़िया पूजा करके कथा जरूर सुने। 12 दिसंबर दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि है। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, इस्कॉन आदि सभी जगहों पे अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड दान तर्पण आदि सभी कार्य 12 दिसंबर दिन मंगलवार को ही किए जाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।